हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और साथ में सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्यूज पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे यहाँ आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैंने इस वीडियो में 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लिया हुआ है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, और वो प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा गोवा, चौथा गुजरात। तो इसका आंसर नंबर सी गोवा सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वीडियो का दूसरा प्रश्न है, भूलने की बीमारी अल्जाइमर से लड़ने के लिए शंघाई की कंपनी ने कितने वर्ष के रिसर्च के बाद दवाई बनाई है। ऑप्शन पहला 8 वर्ष, दूसरा 17 वर्ष, दूसरा 13 वर्ष, तीसरा 17 वर्ष, चौथा 23 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 17 वर्ष सही हो जाएगा। भूलने की बीमारी अल्जाइमर से लड़ने के लिए शंघाई की कंपनी ने 17 वर्ष की रिसर्च के बाद दवाई बनाई है। इस दवाई का नाम ओलिगोमैग्नेट है। हाल ही में सरकार ने इस दवाई को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। तीसरा प्रश्न, भारत की किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन 4 है, पहला दिल्ली कैबिनेट, दूसरा गुजरात कैबिनेट, तीसरा राजस्थान कैबिनेट और चौथा मेघालय कैबिनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मेघालय कैबिनेट से हो जाएगा। मेघालय कैबिनेट ने हाल ही में राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर अपराधी को IPC 1860 की धारा 176 या 177 की धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल्ड बिल्ड प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है गूगल, दूसरा दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा दिया हुआ है फेसबुक, चौथा दिया हुआ है IBM। तो इसका ऑप्शन नंबर डी IBM सही हो जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में IBM के साथ मिलकर स्किल्ड बिल्ड प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा IT नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग के साथ 2 वर्ष का एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया। पांचवा प्रश्न, वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए किस राज्य सरकार ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन 4 है, पहला बिहार सरकार, दूसरा दिल्ली सरकार, तीसरा उत्तर प्रदेश सरकार, चौथा पंजाब सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार सरकार सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने हाल ही में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पूरे राज्य में निजी वाहनों की परिचालन पर रोक नहीं लगाई है। यह फैसले 7 नवम्बर से लागू होंगे। छठवां प्रश्न, नासा का वायजर 2 सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला इतिहास का कौन सा अंतरिक्ष यान बन गया है। ऑप्शन 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी दूसरा सही हो जाएगा। नासा का वायजर 2 अंतरिक्ष यान हाल ही में सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला इतिहास का दूसरा अंतरिक्ष यान बन गया है। वायजर 2 अंतरिक्ष यान 4 दशक से लंबे सफर के बाद सौरमंडल की परिधि के बाहर पहुँचने वाला दूसरा यान बन गया है। सातवां प्रश्न, अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन 4 है, पहला 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा है 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तीसरा है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, चौथा है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से हो जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। उन पर यह जुर्माना अपने चैरिटी फाउंडेशन का पैसा 2016 संसदीय चुनाव प्रचार में खर्च करने की वजह से लगाया गया है। आठवां प्रश्न, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ऑप्शन 4 दिए, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राजील, तीसरा जापान और चौथा चीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ब्राजील सही हो जाएगा। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के ब्रासिलिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस वर्ष 11वें शिखर सम्मेलन का विषय इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एंड इनोवेटिव फ्यूचर है। इस शिखर सम्मेलन में 5 देश भाग लेंगे। और आपके लिए प्रश्न है इस वीडियो में कि 5ों देशों का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।